सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार ने जिले की व्यवस्था चुस्त बना रखी है, जिसमें उन्होंने अब एक नई पहल की है। किसी भी घटना के घटित होने के बाद पीड़ित प्रार्थना पत्र को लेकर थाने के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। तब तक या तो पीड़ित आरोपी से डर कर पीछे हट जाता था, या फिर पीड़ित के साथ इससे भी बड़ी घटना घट जाती थी। इन्हीं सब को देखते हुए एसएसपी लव कुमार ने इस व्यवस्था में सुधार करते हुए ये नियम बनाया है कि जैसे ही फरियादी एसएसपी के दरबार में पहुंचेगा, तो उसके शिकायत पत्र की एक फोटो खींचकर उसे शिकायतकर्ता से संबंधित थाने के थानेदार को भेजी जाएगी। फोटो भेजने के साथ ही थानेदार को मोबाइल से सूचित कर इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा जाएगा, और फिर कुछ समय बाद इस पर थानेदार से प्रक्रिया भी ली जाएगी कि क्या कार्रवाई हुई है। एसएसपी लव कुमार द्वारा चलाए जा रहे इस पहल से पीड़ित को जल्द ही कम समय में न्याय मिलेगा, जिससे न्याय व्यवस्था में भी सुधार होगा। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो शिकायत प्राप्त होने का सिस्टम है, जो भी फरियादी हमारे कार्यालय में आता है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर में चढ़ा के और पैरोकार के माध्यम से थाने पर पहुँचाया जाता है। जाहिर सी बात है कि वो एप्लीकेशन पैरोकार के माध्यम से देर रात तक या अगले दिन थाने पर थानाध्यक्ष को प्राप्त होती है। हम लोगों ने इसमें एक नया प्रयोग ये किया है कि जो एप्लीकेशन रूटीन में डाक के माध्यम से या पैरोकार के माध्यम से जा रही है, उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही जो एप्लीकेशंस ऑफिस में आती हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जो संबंधित थानाध्यक्ष है उनको तत्काल प्रेषित कर दिया जाता है, और उस थानाध्यक्ष को बता दिया जाता है कि ये चार एप्लीकेशंस या पांच एप्लीकेशंस आपके थाने की आज यहाँ प्राप्त हुई हैं, इनको कृपया देख लें। उससे जब तक वो फरियादी थाने पर पहुंचे, उससे पूर्व ही उसकी एप्लीकेशन थाने अध्यक्ष के पास पहुंच चुकी होती है। उद्देश्य केवल इतना है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पीड़ित मेरे कार्यालय में आ रहा है, उसको न्याय मिलने में विलम्ब ना हो, उसकी जो जांच है वो तत्काल शुरू हो जाए, और जब तक वो थाने पर पहुंचे उसके पहले उसका प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष के पास पहुंच चुका होगा।